नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल अनीताज कुक हाउस में। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है कि आपको देख के भूख लग जाएगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह आधा किलो भिंडी को मैंने अच्छे से धुल करके इस तरह पीसेज में काट लिया है। ये चार मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। अब इनको भी काट लेते हैं। अब प्याज को मैंने इस तरह पीसेज में काट लिया है, ये टमाटर को भी छोटा छोटा काट लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में रखेंगे एक कड़ाही, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल एक टेबल स्पून के आसपास। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच अजवाइन, दो पिंच हींग, तीन चार लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इनको थोड़ा सा पकने देंगे। अब ये लहसुन मिर्च थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को डाल लेते हैं। अब प्याज को 5 मिनट तक भून लेते हैं। प्याज 5 मिनट में ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ी सी भून भी जाएगी। पूरी तरह से नहीं भूनना है, बस हल्की सी ही भूनना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब प्याज थोड़ी थोड़ी भून गई है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। ये आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा तीखा ना होने पाए। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब सारे मसालों को 2 मिनट तक भून लेते हैं। टमाटर में जो पानी निकलेगा उसी में मसाला भून जाएगा, अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देते हैं भिंडी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी तो आप लोग हमेशा बनाते होंगे और बहुत टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, शायद आपको पसंद आ जाए, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है और टेस्ट भी अलग अलग होता है। अब भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, ये आधा नींबू का रस, जिससे भिंडी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और जो भिंडी में तार उठता है वो नहीं उठेगा। अब फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे नींबू का रस पूरे में पहुंच जाए। अब नींबू का रस अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को लो मीडियम फ्लेम में करके इसको 5 मिनट तक खुला ही पकने देंगे, उसके बाद ढकेंगे, बीच बीच में एक दो बार चला देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी को देख लेते हैं। जो मैंने नींबू डाला था, देखिए एक भी तार नहीं उठा है। थोड़ी देर खुला पका दीजिए, इससे भी नहीं उठता है। अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। अब बीच में एक दो बार चला देंगे, जिससे अच्छे से भिंडी पक जाए। गैस को लो मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी को देख लेते हैं। बीच में मैंने 2 बार चला दिया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम खाने का मन करने लगा। ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये भिंडी कैसी लगी। अब इसको 1 मिनट फिर से खुला पकने देते हैं। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बनके तैयार है,
मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रोटी, पराठा या फिर दाल चावल के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।